अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन जर्नी। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, यहाँ पे तो 3-4 ऑलमोस्ट डन है ड्रेस, इसकी मैंने थोड़ी थोड़ी कटिंग वीडियो एवरीथिंग मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन इतफाक से हुआ कि मेरा जिस मोबाइल में मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करती हूँ उस मोबाइल को मेरे बेटे ने नीचे गिरा दिया, तोड़ दिया, शायद उसका कुछ डिस्प्ले वगैरह चला गया है। तो यहाँ पे मैं देखिए फुल रेडी है और इसका बॉडी आप देख सकते हो, ये भी ऑलमोस्ट डन है और ये इनर स्कर्ट है। तो गाइस ये स्कर्ट पार्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी ऑलमोस्ट डन है। साइड ज्वाइंट भी मैंने किया हुआ है, अम्ब्रेला कट है ये। और इसकी पिको वगैरह भी हो गई है। नेक्स्ट जो है इसकी दो लेयर्स है, ये जो है बड़ी वाली लेयर जो ऊपर की तरफ आएगी और ये छोटी वाली लेयर। एक्चुअली इसका मैंने डिटेल ट्यूटोरियल यहाँ पे नहीं बताया है क्योंकि ऑलरेडी इसका ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे अपलोडेड है। उसका फ्रॉक मैं आपको अभी दिखाती हूँ जो कि मैंने उसको स्टिच किया था, और इसका स्टेप टू स्टेप विद टिप्स कैसे बनाते हैं पूरे डिटेल ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ है। फ्रॉक जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए स्टिच किया हुआ था, अब इसे देख सकते हो, ये कॉपी फ्रॉक है। स्लीव्स वो ऑलमोस्ट सेम है और जो नीचे की लेयर्स है इसको आप देख लें, किस तरह से हैंडकरचीफ लेयर्स है। ये बड़ी वाली लेयर है ऊपर वाली और इसके अंदर मैंने छोटी वाली लेयर, ऊपर की तरफ ले लेती हूँ, ये जो है छोटी वाली लेयर है और इसके अंदर जो है ये वाला स्कर्ट है और ये वाली लाइनिंग मैंने दिया हुआ है यहाँ पर। तो गाइस ये मैंने ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, तो उसका लिंक मैं ऊपर दूंगी, आप उसे जरूर। गाइस अब ये बड़ा वाला घेरा है, इस घेरे पर मैंने यहाँ पे लूज स्टिच लगा दी है। तो अगर आपको गैदर्स बनाना है तो वेस्ट पे आपको जो मशीन की सबसे लूज स्टिच होती है लूज स्टिच देना होता है, उसके बाद जो बॉबिन थ्रेड होता है उसको आप सिर्फ एक ही थ्रेड जो कि बॉबिन का होता है उसको लेके खींचेंगे तो गैदर्स बन जाते हैं। गाइस अब हमें दो लेयर्स जो कि ऊपर और नीचे वाली लेयर्स है, तो ये जो नीचे वाली जो सिंगल लेयर है इसको मैंने अभी तक वेस्ट कट नहीं किया है, अब मैं इसको वेस्ट कट करूँगी जो कि हमारा अंदर जो स्कर्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसका वेस्ट रेडी है, तो उसका उसको रख के हम वेस्ट कट कर लेंगे। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है जो कि कंप्लीट ट्यूटोरियल है स्टेप टू स्टेप, आप ज़रूर उस पर जाएं और चेक करें। इस तरह से मैं अपना रेडी स्कर्ट रख के यहाँ पर वेस्ट कट कर लूँगी। गाइस नेक्स्ट हम बॉडीज़ की तरफ आएंगे, तो बॉडीज़ पे इस तरह के प्लेट्स जो कि 6 इंच की फैब्रिक मैंने यहाँ पे 6 इंच की फैब्रिक्स कट कर दिए हैं और इसको इस तरह फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। अब मैं इन फैब्रिक्स को बॉडीज़ पे लगभग 1 इंच के नीचे फिक्स करती जाऊँगी या हाफ लगभग 1.25 इंच दोनों फैब्रिक्स के दरमियान गैप रखूँगी। जिस तरह से फैब्रिक छोटा सा फैब्रिक बचा हुआ था उस हिसाब से मैंने लिया, ये भी लगभग
ये 3.5 इंच है। इसी तरह से टोटल 6 इंच वाला फैब्रिक लेके मैंने इसको फोल्ड कर दिया। इसको आप क्या करना है, ये जो फ्रंट का हिस्सा है इस तरफ इन पीसेस को लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पीस को रखा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट पीस, इसी तरह बाकी पीसेस को हम रख लेंगे। गैप आपको जितना लगे, मैं यहाँ पे लगभग 3/4 इंच गैप रखा हुआ है, तो और फिर आप साइड में स्टिच लगा लें। ये थर्ड वाला पीस है और ये फोर्थ वाला पीस है। नेक्स्ट जो है एक्स्ट्रा पीस हम कट करेंगे। अगर आपको पेयर अप्लाई करना है तो इसका आप कट करके लास्ट लेयर आप लगा सकते हो, डिपेंड। तो यहाँ पे पिन से इसको फिक्स करें और दोनों तरफ स्टिच कर लें। अब गाइस यहाँ पे बैक साइड है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक बेल्ट लगा दिया है। अब देख सकते हो लगभग 1 इंच के ऊपर मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि 1/2 इंच स्टिचिंग में चला जाएगा। आप इसी तरीके से यहाँ पे 1 इंच के ऊपर यहाँ पे बेल्ट लगवा दो और फिर इसको सामने वाले हिस्से को इस तरह रख के साइड में स्टिच कर लेंगे दोनों साइड में। स्कर्ट है, स्कर्ट है। अब हम इसे फर्स्ट लेयर अटैच करेंगे इसके ऊपर। यह हमारी फर्स्ट लेयर है जिसकी गैदर्स नहीं होगी, तो ये हम इस तरह से फिक्स कर लेंगे। पहले इसको बराबर से एडजस्ट कर लेंगे। फर्स्ट लेयर में तो यहाँ पे आगे की तरफ सिर्फ इतना ही कपड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे 1-2-3 प्लेटें आएगी। तो इस तरह से फर्स्ट लेयर हम लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हाई लो लुक है नीचे की तरफ। अब हम इसे भी बराबर से एडजस्ट करके, सिर्फ एक एक लेयर ही काफ़ी है एक प्यारा सा लुक क्रिएट करने के लिए। आप इस लेयर को इसके अंदर तो गाइस यहाँ पे मैंने ऊपर वाली लेयर भी स्कर्ट को अटैच कर दिया है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आया है। ऊपर थोड़े से गैदर्स बने हुए हैं और नीचे की फ्रिल्स आप देखें, इसे ज़रूर आप ट्राई करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टार्टिंग से आपको मिलेगा। ज़रूर आप इसे वॉच करें और ट्राई करें। तो गाइस यहाँ पर हम स्कर्ट को आप बॉडी से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम बराबर से इसको सेट कर लेंगे और पिन की मदद से भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं अपने
दोनों बेल्ट्स को अंदर की तरफ डालेंगे और फिर यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे स्टिच करेंगे। गाइस आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा है ज़रूर कमेंट में बताना, और पसंद आ गया है तो लाइक करना। और गाइस इस ड्रेस का कंप्लीट ट्यूटोरियल जो कि ओरिजिनल ट्यूटोरियल है मेरे चैनल पे अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ। बार बार ये बात मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इस ट्यूटोरियल को बहुत लोगों ने पसंद किया है इस ड्रेस को, तो ज़रूर आप ट्राई करें और बहुत प्यारा लगता है। आप अपने लिए भी बना सकते हो या बच्चों के लिए भी बना सकते हो। और गाइस इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।